हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे, लॉकडाउन नैनीताल में, उत्तराखंड में लॉकडाउन है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कि पूरियाँ, स्पेशल पूरियाँ जो हमारे पास, जैसे मिरिकल मलका दाल दिन में बच गई थी, ज़्यादा बन गई थी तो हमने काफ़ी बच गई, दोबारा खाने का मन नहीं था तो मैंने इसका आटा लगा लिया था इस तरह से। ये देखिए दाल का जो मैंने आटा लगाया था इस तरह से, इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, धनिया, हरा धनिया और कसूरी मेथी, ये सब मिला के मैंने इसको ऐसे आटे को लगा लिया था रात को ही। तो मैं इसके बनाऊंगी पूरियाँ। तो ये बच्चे जब सब्जी नहीं खाते तो सॉस के साथ भी इसको खा सकते हैं, दाल का भी वेस्ट नहीं होता, जो दाल बचा रहता है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे आज। ये देखिए ये बन रही है पूरियाँ, ये दाल के आटे की पूरियाँ बनेंगे आप इसको। इसमें मैंने दाल थी मेरे पास कल, मलका दाल ज़्यादा थी तो हमको खाने का दोबारा मन नहीं हुआ, तो हमने इसको क्या कर दिया कि दाल में आटे को डाल के उसमें अजवाइन डाला मैंने, हरा धनिया, कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार सब डाल के मैंने इसे इसको गूंद दिया था, गूंद के मैंने रात को रख दिया था। और अब मैं पूरी बनाऊँगी। तो ये पूरी जैसे ज़रूरी सब्जी के साथ खाई जाए, सॉस के साथ भी मैंने वैसे खा सकती हूँ, क्योंकि अलग से इनका अपना टेस्ट रहता है। तो मैं इनको तलूँगी पूरियों को इस तरह से। अगर क्रिस्पी पसंद है तो उसमें तेल भी आप डाल सकते हैं आटे में, आटा गूंदते समय। मैंने तेल नहीं डाला, मुझे करारी पसंद नहीं है, तो ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं है। फुली नहीं यार, क्या हो गया इनको, फुली फुली गई। कलर बहुत अच्छा आया, कलर मस्त ब्राउन कलर आ रहा है। आज खुली नहीं है मेरी अच्छे से, वरना बड़ी अच्छी खुलती है। पता नहीं क्या हो गया, बात क्यों नहीं खुली है, फूल रही थी जो अच्छी अच्छी वाली, खूब फुली फुली सी बनती है, खिली खिली फुली फुली सी बनती है। आप मैंने मोटी बेच दी शायद अभी, कलर बढ़िया आ रहा है, कलर बढ़िया ब्राउन आ रहा है। तो फूलने लगी अभी पूरी है, अब फूलने लगी। आप दाल की पूरी बनाई आज? हाँ, पराठे में तुम लोग पराठे पसंद ही कर रहे हो ना। तो क्या करेगी, नाश्ता हो गया इनका, नाश्ता करके अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास नाप देने, नाप देने, क्योंकि मैंने वो बनवाने को दिया भाभी को दिल्ली से, छुआ बनाने के लिए रखा। तो जो मैंने छुआ नाप का भेजा था उसे नाप आ नहीं रहा है, भाभी का फ़ोन आया होगा इनको कल, तो भाभी कह रही थी कि नाप थोड़ा अलग तरीके से होता, तो मैं नाप अभी जा रही हूँ वहाँ टेलर के पास नाप लेके, फिर तब मैं वो करती हूँ, फिर साथ में सब्जियाँ भी लेके आ जाऊँगी। बाल धोए थे ना, कंघी नहीं मारी ऐसी कैसी रखी, देखो की तरह बाल सारे उलझ पड़े हैं मेरे, ऐसी चली जाती हूँ वहाँ की कंघी मारूँगी। अब ये पौधे पौधे हरे भरे से बड़े अच्छे अच्छे से हो रहे थे, सारे पौधे मैंने प्लांट से खा भी दिया था, फिर भी अच्छा हो गया। ये क्या हो गया, कहाँ से उसके कल तुमने कल चप्पी डाल रखी है, कल मैं चाय पत्ती मनी प्लांट में डालना, तूने मनी प्लांट में डाल रखा सारा चाय पत्ती, मनी प्लांट डाला था सारा, मनी प्लांट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें डाल दिया हाँ, उसमें बहुत डाला था पूरा, अभी देखा ना मैं तो इतना सारा डाला था सारा, पाइप में डाल देना वहाँ किनारे किनारे में, पाइप है ना, पाइप किनारे में डाल देना, मैंने फोन में डाला था छपे में डाल दिया हाँ, नहीं पाइप तो उसमें किनारे से डाल देना, पाइप में तुमने खा दिया ना। देखिए इनकी दवाई, कुत्तों की दवाई यहीं पर रखी है, कैल्शियम है जो इनको ढक्कन से चबा चबो के पी भी दी इसको पूरा। ये इस तरह से ये बेल जा रही है ऐसे 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 ऊपर, और जा रही है उधर को
उसका किनारा सर टूट गया था ना, उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं, इतने में अटक गया, उसको सेटल करना, ठीक से सेटल नहीं हुआ ठीक से। फिर वो है क्रिसमस ट्री, वो भी सूख गया मेरा क्रिसमस ट्री भी, पता नहीं क्या हो गया, वहाँ पर लाया वहाँ पे वो भी सूख गया पूरा, नहीं ज़्यादा कुछ प्लांट्स नीचे है जो भी है यहाँ पे पास की दो प्लांट्स मैंने यहाँ पे भी रख दिया, दो प्लांट्स मेरे यहाँ पे बड़े बड़े पौधे हैं, एक मेरा वो आगे डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, ये बहुत सुंदर सा पौधा है। तो ये है एक है ये मेरा ये यूकेलिप्टस का, मैंने ड्राइंग रूम पर रखा, इससे बहुत अच्छे से एयर प्योरीफाई होता है, एयर प्योरीफाई होता है, ये यूकेलिप्टस है। मनी प्लांट मेरे अच्छे हो रहे इस बार, ये देखो ये एक मनी प्लांट का ये है, चलो अच्छा हो रहा है, एक मनी प्लांट ये है, एक ये है जो मैंने पानी में रखा हुआ है, ये भी अच्छा हो रहा है। सब्जी लेके आ गई हूँ, सब्जी लेके आ गई हूँ मैं, अब कर लूँ ये देखिए फ्रिज के अंदर निकाला है, आज अंदर से पूरा निकाल दिए फ्रिज के ये सारे, निकाल के उनको सफाई कर देती हूँ, आज फ्रिज की साफ सफाई करती हूँ, फ्रिज साफ करना था काफ़ी टेंशन किया था। सफाई, फ्रिज की सफाई की है जो कि पूरा खाली कर रखा है, इसमें इंसान फिट आ जाएगा, मैं बैठने वाली थी उसके अंदर, इसको डाल दूंगी इसके अंदर, आगे करती हूँ ना, पहले मैं अपना फ्रिज को सेट कर दूँ, फ्रिज ही सेट नहीं हुआ, ये टूट टूट बंद कर दो दामा किनारे में, लाइट ऑफ कर दो एक बार, अच्छे से साफ कर देती हूँ, मैंने महीनों से फ्रिज साफ नहीं किया, फ्रिज को महीने में एक बार इस तरह से अगर साफ करेंगे तो साफ रहता है फ्रिज, आंटी की मौजूदगी में याद नहीं आता, आंटी की मौजूदगी में याद नहीं आता कि आंटी करती कौन सा साफ, इनका काम तो वैसे खाली होता है, काम चलाओ टेम्परेरी काम है इनका, झाड़ू पोछा करा दो बस वही काफी है इनसे, बाकी काम तो इनसे कराने का नहीं, बाकी काम तो खुद ही करना पड़ता है मुझे, जो साफ करना गैस को भी मैं दी थी, जो कुछ साफ करती रहती हूँ वही साफ करेंगे, कौन पिएगा मट्ठा, नहीं क्या ये स्पाइस्ड बटर मिल्क है, ये काफ़ी चीज़ें, आमा फ्रिज से निकली हुई है ये सबसे बड़ी चीज़ फ्रिज से निकली हुई है, अब ये सब फ्रिज के अंदर जाएगा, अच्छे से क्लीन किया मैंने फ्रिज को, साल में कम से कम ये चीज़ का रैपर कैसे आया, निकाल के धोई, पड़ा हुआ था फ्रिज में, इतना गंदगी था ना इसके अंदर, खा पी के सारा उसी में पड़ा हुआ था, ठीक है ये ढक्कन है, ढक्कन इसका नीचे वेजिटेबल उसका, हाँ तो चॉकलेट नूडल्स, ये चुको वाली नूडल्स है ना, बाप रे आप इतनी देर से यही करने में लगे हो, दो घंटे और आप क्या कर रहे थे, मैं कुछ गलत चीज़ दिखा रहा हूँ, नाइस नाइस नाइस, मुझे वैसे नहीं पसंद, सेट हो गया है जो, वरना इससे पहले इंसान भी ऐसा सब खाली कर दो, जब खाली कर दो तो किसी को डालना हो, किसी को पनिश करना हो तो आप खाली करते हो, पनिश करना हो तो फ्रिज में डाल दो, आईने बाल काट दिया, काटो ना, अच्छा काटा आपको, वो तो चाकू से मैंने बने शो, आने से ना आने सोनू ने कितना वाला 20 से मांग निकाल के करे ऐसे बाल में, वैसे ही 1965 का दौड़ था वाला बातें, हम वो तो ऑटोमो गुडी में बेंजी में डाले, मेरा मैंने बोला ही फर्स्ट टाइम दादा, तो वो गुड्डी देखेगी ना, फिर बोलेगी बोला तो
नागर को तो चल ठीक है, रामा को तो बहुत लंबा ही अच्छा लगता है। शाम के 5:15 बज गए हैं, तो आज की वीडियो को मैं सोच करती हूँ यहीं पे ख़त्म। ये देखिए मेरे बाल, ये है मेरे बालों की ग्रोथ आगे से, जो मैंने कल परसों ट्रिम करवाए थे इतने से, और बाकी इतने लंबे ऐसे तो लंबे हैं काफ़ी, इतने लंबे हैं कि इतने लंबे हैं ये बाल मेरे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम की चाय भी आ गई है, मैं तो चाय पीने लगी हूँ। तो आज दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ थी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड करी है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको, चैनल को देखिए और पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट भी करें।